नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से टेक डीआईवाई के हिंदी वर्जन में। आज हम आपको डिफ़ॉल्ट टॉमकैट पोर्ट एम्बेडेड सर्वर जो होता है स्प्रिंग बूट में, अगर हम स्प्रिंग बूट में सर्वर मेंशन नहीं करते तो डिफ़ॉल्ट टॉमकैट एम्बेडेड सर्वर आता है। तो आज हम आपको मेवन और ग्रेडल दोनों ही प्रोजेक्ट्स में से टॉमकैट की जगह जेटी यूज़ करना बताएंगे। जेटी सर्वर भी एक वेब कंटेनर है टॉमकैट की ही तरह से। तो आज के प्रोजेक्ट में हम यही करेंगे। अभी हम एक सिंपल प्रोजेक्ट बना रहे हैं, ग्रेडल प्रोजेक्ट हमने बनाया है और वेब डिपेंडेंसी ली हमने, सिंपल वेब डिपेंडेंसी ली है। और अभी उस प्रोजेक्ट को हम इंपोर्ट करेंगे आइडिया में, इंटेलिजे आइडिया में। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये हमारी ग्रेडल फाइल है। और जब हम डिफ़ॉल्ट बूट स्टार्टर वेब लेते हैं डिपेंडेंसीज में, तो एम्बेडेड टॉमकेट सर्वर हमको डिफ़ॉल्ट मिलता है। उसको हमको ऑटो कॉन्फ़िगरेशन करके उसको रिमूव करना पड़ेगा या एक्सक्लूजन्स में उसको ऐड करना पड़ेगा। यानी कि हमको सर्वर को कहना पड़ेगा कि भैया आप इसको मत लो और इसकी जगह हम आपको जेटी सर्वर लेने के लिए बोल रहे हैं, आप उसको उठाओ और वो कंटेनर आप लो। तो यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशंस के अंदर हम एक्सक्लूजन डिफाइन कर रहे हैं। तो एक्सक्लूजन में हम बोल रहे हैं उसको कि भैया टॉमकेट को एक्सक्लूड कर दो, टॉमकेट कंटेनर जो है वो आप मत लो। एक्सक्लूजन का मतलब होता है कि जो डिपेंडेंसीज स्प्रिंग के जो स्टार्टर टेम्पलेट्स हैं उनमें जो डिपेंडेंसीज हैं, अगर उनमें से किसी पर्टिकुलर डिपेंडेंसी को हम हटा के उसकी जगह अपना कोई डिपेंडेंसी देना चाहते हैं तो वो हम एक्सक्लूजन्स के थ्रू कर सकते हैं। एक्सक्लूजन का शाब्दिक अर्थ होता है किसी को परे हटाना या निकालना, एक्सक्लूड करना, वही हम यहाँ पे कर रहे हैं। तो हम अभी स्टार्टर वेब को लेंगे। स्टार्टर वेब हमने लिया हुआ है, उसके साथ में हमको, क्योंकि हम टॉमकेट को हटा रहे हैं, तो अभी हमको जेटी, स्टार्टर जेटी लेना पड़ेगा। स्टार्टर जेटी भी अवेलेबल है, तो स्टार्टर जेटी हमको लेना पड़ेगा डिपेंडेंसीज के अंदर। और वेब भी हमने स्टार्टर वेब लिया हुआ ही था पहले, और इसके साथ हमको कुछ और कॉन्फ़िगरेशंस भी करनी पड़ेगी, देखते हैं। तो एक बार ये डिपेंडेंसीज ऐड करने के बाद हमको ग्रेडल फाइल के लिए भी हमको एक बार इसको बिल्ड वापस से कर लेना चाहिए प्रोजेक्ट को। अभी हम एक कंट्रोलर लिखेंगे, टेस्ट, सिंपल टेस्ट कंट्रोलर रहेगा ये, रेस्ट कंट्रोलर रहेगा, इसका नाम हमने टेस्ट कंट्रोलर दिया है। और इस प्रोजेक्ट में हम सिंपली हेलो वर्ड प्रिंट करा के देखेंगे। तो यहाँ पे एक सिंपल स्लैश कॉन्टेक्स्ट पाथ रहेगा। इस पाथ के अंदर हम जब भी ब्राउज़र यूआरएल में लोकल होस्ट 8080 या जो भी पोर्ट है वो देंगे, तो स्लैश होने पे जो हमारा ये मेथड है गेट टू शो समथिंग, ये कॉल होगा और ये सिंपली हेलो वर्ड लिख के हमको ब्राउज़र पे प्रिंट करके देना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा कंट्रोलर रहेगा। अभी हम इसको चला के देखते हैं क्या प्रॉब्लम आता है, अगर कुछ आता है प्रॉब्लम। तो इसमें भी कुछ हायरार्कीज चेंज हुई है स्प्रिंग 2.0 के बाद, तो वो भी हम देखेंगे कि क्या हुआ है। एक बार हमको एक्सक्लूजन यहाँ पे स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन जो अपना एनोटेशन होता है उसमें भी हमको एक्सक्लूजन देना पड़ेगा, ये हमको, तो हम वही ट्राई कर रहे हैं देने का। इसका नाम है एम्बेडेड सर्वलेट कंटेनर ऑटो कॉन्फ़िगरेशन डॉट क्लास। ये क्लास हमको एक्सक्लूड करनी है हमारे स्प्रिंग कंटेनर से, तो वही हम यहाँ पे देने की कोशिश कर रहे हैं पर ये आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा है। तो चलिए इसको नेट पे, गूगल पे करते हैं। और इसके साथ साथ हमको वेब एमवीसी ऑटो कॉन्फ़िगरेशन क्लास को भी एक्सक्लूड करना पड़ेगा। तो देखते हैं ये इसको क्यों नहीं पहचान पा रहा है। आई थिंक ये वर्जन का कुछ इश्यू है, क्योंकि हमारा वर्जन 2.4 है और मैंने इसे पहले सर्च किया था। तो जस्ट आपको शो करने के लिए कि ऐसा होता है नए वर्जन के साथ, तो इसीलिए मैंने इसे रिक्रिएट किया है यहाँ पे, इस प्रॉब्लम को रिक्रिएट किया है। अभी हम नेट पे देखेंगे कि इसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है। कोई सजेस्ट भी नहीं कर रहा है ये। एक बार ऑटो सजेशंस में देखते हैं, आईडी ऑटो सजेशंस में, कि हमारा जो एक्सपेक्टेड क्लास है
वो यहाँ पे शो क्यों नहीं हो रही है। हाँ, तो हमने जब नेट पे सर्च किया था, हमको स्टैक ओवरफ्लो में ये थ्रेड मिला है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और यहाँ पे ये कह रहे हैं कि इनेबल इनेबल एम्बेडेड सर्विस ऑटो कॉन्फ़िगरेशन जो हम देख रहे थे, उसकी जगह अभी हमको हायरार्की में कुछ बदलाव आए हैं वर्जन 2.0 के बाद, तो वही हमको यहाँ पे करना पड़ेगा। सर्वलेट वेब सर्वर फैक्ट्री ऑटो कॉन्फ़िगरेशन, ये क्लास हमको लेनी पड़ेगी हमारी पुरानी वाली क्लास की जगह, तो इसीलिए वो हमको आईडी उसको ले नहीं पा रहा था। अभी देखते हैं आगे क्या होता है। तो अभी हमने सर्वर रिस्टार्ट किया है, बिल्ड हो गया सक्सेसफुली, और अभी हम एक बार इसको पूरा देखते हैं। चलिए एक बार इस थ्रेड को भी देखते हैं, जो सिक्स जो आंसर्स मिले हैं इसमें कि क्या कह रहे हैं ये। तो अनेबल टू स्टार्ट सर्वलेट वेब, इशू आया है फिर से। चलिए देखते हैं, इशू बोल रहा है अबाउट दिस क्लास एक्सक्लूजन। चलिए एक बार पूरा हटा के देखते हैं, और यहाँ पे इनेबल ऑटो कॉन्फ़िगरेशन एनोटेशन का यूज़ करके देखते हैं। इनेबल कॉन्फ़िगरेशन का बोल रहा है ये, इनेबल कॉन्फ़िगरेशन प्रॉपर्टीज़। बेसिकली ये जो इनेबल कॉन्फ़िगरेशन प्रॉपर्टीज़ है, जब हमको प्रॉपर्टीज़ फाइल्स को इनेबल करना होता है तो उसके लिए होता है। तो ये हमारा जो इसका API का जो मतलब इस क्लास की डिस्क्रिप्शन है, वो लिंक है, तो वहाँ पे भी जाके देख सकते हैं। अभी हमको इसका सॉल्यूशन हाउ टू डू इन जावा में मिला है। हाउ टू डू इन जावा एक बहुत ही अच्छी साइट है, जहाँ पे काफ़ी सारे स्प्रिंग बूट के प्रोजेक्ट्स हैं, स्मॉल प्रोजेक्ट्स हैं, आप भी उनको ट्राई कर सकते हैं, जैसे हम यहाँ पे ट्राई कर रहे हैं। वहाँ पे सजेस्ट किया हुआ है कि हमें कॉन्फ़िगरेबल सर्वर वेब सर्वर फैक्ट्री, इसका बीन हमको यहाँ पे जेटी सर्वर का बीन बना के, सर्वर जेटी सर्वर फैक्ट्री का बीन बना के हमको यहाँ पे इंजेक्ट करना पड़ेगा। तो वही हम ट्राई कर रहे हैं, जेटी सर्वलेट वेब सर्वर फैक्ट्री, ये फैक्ट्री बना के इसको अपने कॉन्टेक्स्ट में, स्प्रिंग कॉन्टेक्स्ट में ऐड करने के लिए एड बीन के थ्रू हम इंजेक्ट करेंगे, सो दैट ताकि हम उसको यूज़ कर पाए अपने प्रोजेक्ट में, और स्प्रिंग कंटेनर उसका बीन बना पाए। उसी के लिए हम एड बीन यूज़ करते हैं, जैसा पहले भी हमने बताया। तो यहाँ पे जो वेब सर्वर फैक्ट्री मेथड है, ये एक्चुअली उस बीन को बनाएगा और उसको कंटेनर में इंजेक्ट करेगा। यहाँ पे हम पोर्ट और ये सेट कर रहे हैं, पोर्ट 9000 सेट कर रहे हैं और पाथ सेट कर रहे हैं। देखते हैं कॉन्टेक्स्ट पाथ वगैरह सेट करके भी देखते हैं। ये सजेस्ट किया हुआ है हाउ टू डू इन जावा में। तो ये जो, जैसा कि आप लेफ्ट साइड में देख सकते हैं, इसी को हम यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं करने की। तो दोस्तों, जैसा आपको लगा होगा देख के भी, एक्चुअली ये जो सेशंस हैं, ये प्लेग्राउंड सेशंस हैं। तो यहाँ पे हम पहले से जो कुछ फेमस साइट्स हैं, जैसे कि हाउ टू डू इन जावा, belding.com और एमके योंग, इस तरह की जो पहले से काफ़ी फेमस जावा की साइट्स हैं, वहाँ पे जो सॉल्यूशंस या रिजोल्यूशंस दिए हुए रहते हैं, हम उन्हीं को यहाँ पे कुछ प्रोजेक्ट्स वगैरह बना के उनको रिक्रिएट करने की कोशिश करते हैं, ताकि आप जब वो इश्यूज एक्चुअल में जब आप उनको कोड को करते हैं, तो आपको क्या क्या इश्यूज आते हैं वो हम यहाँ पे हाउ टू डू इन टेक DIY में प्लेग्राउंड सेशंस में करने की कोशिश करते हैं, ताकि आपको सीधा सीधा, आप सीधे सीधे अगर ये वीडियोस भी देख लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ क्या क्या कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ती है, और क्या क्या चेंजेस अगर कुछ हुए तो होते हैं, और क्या रियल टाइम में क्या एरर्स आती है। उसी लिए हम प्लेग्राउंड सेशंस बनाते हैं, तो आप उनको देख सकते हैं। तो हाँ, अभी हमारा सर्वर स्टार्ट हो गया है और हम उसको
अपने पोर्ट पे हिट करने का कोशिश करते हैं, एक बार देख हिट करके देखते हैं। तो अभी इसको अभी भी इसको 404 नॉट फाउंड का इशू आ रहा है सर्वर पे, देखते हैं। हमारा पोर्ट 8080 था, अभी हमने उसको चेंज किया था। ये हमारा ग्रेडल प्रोजेक्ट है, 8080 है। फैक्ट्री डॉट सेट पाथ, अभी हमने सेट पोर्ट यहाँ पे सेट करके एक अलग ही वो दे रहे थे, तो हमने सेट पोर्ट को हटा ही दिया है कि अभी हम सिर्फ पोर्ट जो है वो सिर्फ हमारी प्रॉपर्टी फाइल से रीड होना चाहिए, ठीक है। तो अभी वो प्रॉपर्टी फाइल से रीड होगा। अब देख, जैसा कि आप देख सकते हैं, जेट इज सर्वर स्टार्टेड ऑन 8080 पोर्ट। अभी हम 8080 पे हिट करके देखते हैं कि हमारा जो URL है हेलो वर्ल्ड वाला, वो कॉल होता है नहीं होता है। सर्वर स्टार्ट हो गया है, फिर ये कॉल क्यों नहीं हो रहा है, चलिए देखते हैं। क्या पंगा, क्या प्रॉब्लम हो सकता है। ओके, पाथ वाथ हमने डाला है, चलिए कॉन्टेक्स्ट पाथ माई पाथ है, माई ऐप, एक बार ये माई ऐप करके भी देखते हैं। ये पी सेट कॉन्टेक्स्ट पाथ, हमने माई ऐप दिया तो ये माई ऐप पे हमारा हेलो वर्ल्ड जो मैसेज था वो शो हो रहा है। और जैसा कि हमने पहले बताया था आपको, सर्वर जब स्टार्ट हुआ था तो मैसेज आया था कि सर्वर स्टार्टेड ऑन जेटी सर्वर। तो अभी हमने इस प्रोजेक्ट में क्या किया है, इस प्रोजेक्ट में हमने एम्बेडेड टॉमकैट को एम्बेडेड जेटी से रिप्लेस किया है, ठीक है। तो वो कॉन्फ़िगरेशन है, जब हमको कुछ कुछ टाइम रिक्वायरमेंट्स रहती है बड़े प्रोजेक्ट्स में कि हमको टॉमकैट नहीं चाहिए, हमको जेटी ही चाहिए, तो उस केस में हम ये कोड देख सकते हैं, इसको रेफ़र कर सकते हैं, ठीक है। और यही किया है हमने यहाँ पे, जैसा कि आप देख सकते हैं, अगेन जेटी स्टार्टेड ऑन पोर्ट 8080, तो वही कॉन्फ़िगरेशन हमने यहाँ किया है। एक बार फिर से हम टेस्ट करके बता रहे हैं आपको। तो ये तो था ग्रेडल में, ग्रेडल प्रोजेक्ट में कैसे उसको कॉन्फ़िगर करना है, और सिमिलर वे में हम पॉम मतलब मेवन प्रोजेक्ट में कैसे उसको कॉन्फ़िगर करना है वो भी बताएंगे। तो अभी हमने एक सेपरेट प्रोजेक्ट बनाया मेवन के लिए, अभी हम उसी प्रोजेक्ट को इंपोर्ट कर रहे हैं यहाँ पे। तो ये हमारा मेवन, ये तो ग्रेडल प्रोजेक्ट है, मेवन प्रोजेक्ट इंपोर्ट हो रहा है। तो वही मेवन प्रोजेक्ट खोलते हैं अभी। तो ये हमारा लॉन्चर है, यहाँ पे हम मेवन प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं। प्रोजेक्ट का नाम हमने सेम दिया है, इंस्टीड ऑफ पहले खाली टॉमकेट तक था नाम, अभी हमने टॉमकेट डैश मेवन भी कर दिया है। तो अभी हमारा प्रोजेक्ट बनेगा, और जावा, जैसा कि आपको पता ही है, हम सारे प्रोजेक्ट जावा 8 में ही बना रहे हैं। तो इसको इंपोर्ट करते हैं प्रोजेक्ट को, यहाँ पे प्रोजेक्ट इंपोर्ट होगा, और प्रोजेक्ट इंपोर्ट होने के बाद प्रोजेक्ट इंपोर्ट करें, इंपोर्ट करने के बाद हम pom.xml खोल के आपको बताएंगे कि pom में क्या क्या आया है। बेसिकली डिपेंडेंसीज में हमने सिर्फ वेब लिया था, तो कुछ और डिपेंडेंसी वहाँ पे थी नहीं, तो ये सारी डिपेंडेंसीज है। स्टार्टर वेब लिया है हमने खाली, और यहाँ पे भी हम केवल मैसेज शो करेंगे। अब यहाँ पे डिपेंडेंसीज में एक्सक्लूजन, आपको याद होगा ग्रेडल में भी एक्सक्लूजन ऐड किया था हमने कॉन्फ़िगरेशंस के अंदर एनोटेशन में, यहाँ पे हमको एक्सक्लूजन टैग जो रहेगा उस एक्सक्लूजन टैग के अंदर डिपेंडेंसीज में हमको टॉमकैट एक्सक्लूजन देना पड़ेगा। सेम पर्पस वही है कि हमको, हम मेवन को कह रहे हैं कि भैया जब आप बिल्ड तैयार करो तो टॉमकैट की डिपेंडेंसीज को मत लेना, उसकी जगह आप जेटी की डिपेंडेंसीज लेना, ठीक है। अभी यहाँ पे तीन चॉइसेस रहती है, या तो टॉमकैट होगा, या जेटी होगा, या अंडरटो होगा। ये तीन वेब कंटेनर्स याद रखिएगा स्प्रिंग बूट प्रोवाइड करता है, ठीक है। इनके लिए आउट ऑफ द बॉक्स स्प्रिंग बूट कॉन्फ़िगरेशंस देता है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, अभी टॉमकैट हटा के हम स्टार्टर जेटी ले रहे हैं, स्टार्टर टॉमकैट की जगह स्टार्टर जेटी ले रहे हैं। तो बेसिकली जैसा हमने पहले भी बताया, ये सब करने के बाद अभी हम उसको बिल्ड कर रहे हैं प्रोजेक्ट को। जैसा हमने पहले भी बताया था कि जो डिफ़ॉल्ट वेब टेम्पलेट है, यानी कि स्प्रिंग बूट
स्प्रिंग बूट स्टार्टर वेब जो होता है, जब हम स्टार्टर वेब बोलते हैं तो वो सीधे सीधे टॉमकैट की डिपेंडेंसी को ले लेता है। तो वही चीज़ यहाँ पे हमने की, उसको एक्सक्लूड करके जेटी को ऐड किया। और अभी सेम हमने जैसा कि ग्रेडल प्रोजेक्ट में भी हमने एक बीन बनाया था कॉन्फिगरेबल सर्वलेट वेब सर्वर फैक्ट्री के नाम से, तो वही बीम बीम बीन हम यहाँ पे भी बनाएंगे और उसको अपने प्रोजेक्ट के कॉन्टेक्स्ट में ऐड करवाएंगे। तो ऐड बीन के थ्रू हम उस क्लास को यहाँ पे ऐड कर रहे हैं ताकि हमारा कंटेनर स्प्रिंग कंटेनर उसको बीन को ले सके, उस ऑब्जेक्ट को इंस्टेंशिएट करके आगे दे सके। अभी यहाँ पे मेवन प्रोजेक्ट में हमने सेम लिया है, टेस्ट कंट्रोलर हमने यहाँ पे भी बनाया है और टेस्ट कंट्रोलर में स्लैश गेट मैपिंग है। और तो स्लैश स्लैश सिंपली अपना जो कॉन्टेक्स्ट पाथ है स्लैश वाला, उसको करने पे हमको ये मैसेज शो होना चाहिए, हमने सर्वर रिस्टार्ट किया है। अभी देखते हैं क्या होता है, अगर सब सही रहा तो आइडियली अभी ये यहाँ पे जेटी सर्वर लोड होना चाहिए। तो हम वही देखेंगे कि जेटी सर्वर लोड हो रहा है नहीं हो रहा है। ये आई थिंक जावा की कुछ इश्यू है जो हमारे आईडी में है, कि आईडी में दोनों दिखता है वर्जन जावा का। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि जेटी स्टार्ट हो गया है पोर्ट नंबर 8080 पे ही, और हमको वो मैसेज भी दिख रहा है हेलो वर्ल्ड वाला। तो दोनों हो गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, और लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे वर्क को। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।